हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं उसका नाम है बेजिलिका सिस्टर्न। तो ये है जी जगह जहाँ पे पानी प्रिजर्व किया जाता था पुराने जमाने में। फ्रेंड्स, इस जगह को कहते हैं बेजिलिका सिस्टर्न और तुर्किश जुबान में इसको कहते हैं यरबतान सारनीचे। फ्रेंड्स, बेजिलिका सिस्टर्न अंडरग्राउंड पानी महफूज करने की जगह थी जो कि बेजेंटीन एम्परर जस्टिनियन ने सन 532 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी के इस्तांबुल में तामीर करवाई। इस जगह को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मॉडर्न आर्ट से बनाए गए चंद मुजस्मे रखे गए हैं जो लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ लेते हैं। कहा जाता है कि इस जगह को बनाने में 3 साल का अरसा लगा और 7,000 गुलामों ने इस जगह को तामीर किया। जब आप यहाँ पे दाखिल होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के नक्शो नगार के साथ टोटल 336 कॉलम नज़र आते हैं। दोस्तों, इस जगह का साइज 453 feet by 212 feet है जो कि ऑलमोस्ट एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इसमें 1,000 टन के करीब पानी महफूज किया जा सकता है। दोस्तों, इस जगह के बनाने का मकसद था कि उस वक्त के शाही महल में पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। फ्रेंड्स, ये जो कॉलम देख रहे हैं जिसमें एक रोने वाली आंख की तस्वीर बनाई गई है, इसके हवाले से बहुत ही मशहूर बात है कि ये जाहिर करती है उस वक्त के गुलामों के दुख को। कहा जाता है कि अगर आजकल के दौर में कोई आदमी उस आंख के गिर्द अपना अंगूठा घुमाएगा तो जो भी उसके दिल में ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह से ये कॉलम मेडुसा के सर का है जिसको उल्टे बल रखा गया है। कहा जाता है कि ये इसलिए किया गया है कि लोगों को बताया जा सके कि ये खुदा कुछ भी नहीं कर सकते, हत्ता के अपना दिफा भी। उस वक्त के लोग इसको खुदा तसव्वुर किया करते थे। दोस्तों, जब इसको बनाया गया तो सबसे बड़ा मसला ये पेश आया कि अब इसको कैसे महफूज बनाया जा सके ताकि कोई शख्स इसमें जहर ना मिला सके जिससे कि शाही ख़ानदान को नुकसान हो। लिहाजा इसका हल यूं निकाला गया कि मछलियां छोड़ने का फ़ैसला किया गया। जब तक मछली ज़िंदा रहेगी तब तक पानी को महफूज समझा जाएगा। दोस्तों, जब कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल को ओटोमन एम्पायर ने 1453 में फतह किया तब तक बेजिलिका सिस्टर्न लोगों की आंखों से ओझल हो चुका था और इसकी एंट्रेंस भी गिर चुकी थी और इसका रास्ता किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन फिर सन 1545 में एक डच रिसर्चर जो कि हॉलैंड से आया जिसका नाम पी गेलिस था, उसने इस जगह को दरियाफ्त किया। कहा जाता है कि पी गेलिस बेजेंटीन की बाकियात पर रिसर्च कर रहा था कि अचानक उसे हैरानगी हुई ये देखकर कि चंद लोग शहर के वस्त में सुराखों से मछलियां पकड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीब चीज़ थी। चुनाचे बेजिलिका सिस्टर्न को दरियाफ्त किया गया। दोस्तों, इस जगह को वक्त गुजरने के साथ साथ रेनोवेट किया गया है और इसकी बहाली का काम 1990 में और 2017 में भी हुआ। दोस्तों, इस जगह को शोहरत तब मिली जब हॉलीवुड की एक फिल्म जो कि जेम्स बॉन्ड की थी सन 1963 में यहाँ बनाई गई। पानी में आपको कुछ सिक्के नज़र आएंगे जो कि आप जगह जगह देख सकते हैं। इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि चंद लोगों का बिलीव है कि अगर आप यहाँ पर सिक्का फेंकेंगे तो इससे होगा यूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा इस जगह पे आ सकेंगे। तो ये तो था जी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। इतने ज़्यादा कॉलम्स और लाइट्स कभी ऑन कभी ऑफ और
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।